कि भारत पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भले ही मोदी जी ने अपने लोगों को थोड़ी देर की खुशी दी थी ये कहते हुए कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रही है और फिलिस्तीन के टू स्टेट सॉल्यूशन की मांग भारत भी हमेशा से करता रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारत के इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो फिलिस्तीन जाकर उतरे थे, और ऐसे में खुद ही पलटी मार जाए ऐसा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों बता दूं कि मोदी जी ने जो ऐलान किया था वो पूरा हो गया है, गाजा के अंदर तक अब भारत पहुंच गया है। दोस्तों भारत ने ये तस्वीर देख लीजिए, मदद भेज दी है। जी हाँ, मदद काफी बड़ी भेजी है और भारत ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को और भी लगातार हम मदद भेजते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने 6.5 टन मेडिकल एड और 32 टन जो है 32 टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल जो है गाजा को भेज दिया है, इजिप्ट के जरिए भेजा है। इजिप्ट के कॉरिडोर पर भारत की मदद पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि भारत ने साफ लिखा है, हर पैकेट पर लिखा है, गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू दी फिलिस्तीनियन पीपल। मोदी जी ने यह भी कहा था कि आगे हम इसी तरह से मदद भेजते रहेंगे, फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ भारत हमेशा से खड़ा है। उधर पूरी दुनिया से अमेरिका इसराइल पर दबाव है कि गाजा को मदद मिलनी चाहिए।